काशीपुर के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली आ रही थी, लेकिन मोहन के पास त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं थे। घर में एक मिट्टी का छोटा सा दीपक था, जिसे जलाकर ही वह दिवाली की रौनक मनाने की सोच रहा था। उसका सपना था कि उसके घर में भी एक दिन उजाला होगा और उसके बच्चे भी दिवाली पर नए कपड़े पहनेंगे। मोहन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पूरे गांव में दिवाली की तैयारियां हो रही थी, लोग नए कपड़े खरीद रहे थे, मिठाइयाँ बना रहे थे, लेकिन मोहन के घर में ना मिठाई थी ना ही नए कपड़े। मोहन का बेटा रमेश बहुत उदास था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस बार हम दिवाली पर कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। मोहन ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इस बार शायद हम इतना ना कर पाए, लेकिन हिम्मत रखो, अगले साल कुछ अच्छा जरूर करेंगे। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वह सोच में डूबा था कि कैसे दिवाली के दिन अपने बच्चों के लिए कुछ खास कर सकें। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो सामने एक पुराना बड़ा सा पेड़ नजर आया। पेड़ के पास जाते ही पेड़ बोल पड़ा, हे मोहन, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मोहन हैरान रह गया। उसने पेड़ से पूछा, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ जादुई फल दूंगा, लेकिन याद रखना, ये फल सिर्फ तुम्हारे काम के लिए हैं। अगर तुम इन्हें किसी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये गायब हो जाएंगे। पेड़ ने मोहन को तीन जादुई फल दिए। पहले फल से उसके घर में हर जरूरी चीज आ जाएगी, दूसरे फल से उसके बच्चों के लिए नए कपड़े बनेंगे और तीसरे फल से उसके घर में मिठाइयाँ और दीपक जल उठेंगे। मोहन ने पहला फल तोड़ा और घर में लाकर उसे अपने आंगन में रख दिया। तुरंत ही उसके घर में हर जरूरी चीज जैसे खाने का सामान, अच्छे बर्तन, यह सब प्रकट हो गए। फिर उसने दूसरा फल तोड़ा और उसके बच्चों के लिए नए कपड़े तैयार हो गए। तीसरे फल से पूरे घर में मिठाइयाँ और दीमक खुद ब खुद जल उठे। मोहन का घर रोशनी से भर गया और उसका परिवार खुश हो गया। मोहन की खुशी में गांव वाले भी शामिल होना चाहते थे। मोहन ने सोचा कि उसे इस खुशी में गांव वालों को भी शरीक करना चाहिए। उसने गांव के गरीब परिवारों के साथ मिठाइयाँ और दीपक बांटे और उनके बच्चों के लिए भी कपड़े दिलवाए। अब पूरे गांव में दिवाली की खुशी फैल गई। दूसरे दिन मोहन उस पेड़ के पास गया और उसे धन्यवाद किया। पेड़ ने कहा, तुमने अपनी खुशी में दूसरों को भी शामिल किया, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे घर में कभी भी कोई कमी नहीं होगी। मोहन खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसके बाद उसके घर में कभी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई। वह अपनी मेहनत से गांव का सबसे सफल किसान बन गया और हमेशा लोगों की मदद करता रहा। इस तरह से गरीब किसान मोहन की दिवाली जादुई पेड़ की वजह से यादगार बन गई और उसके जीवन में हमेशा के लिए खुशियां भर आईं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।